डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स डे आता है, मार्च में आता है, और 1 जुलाई को जो नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका क्या मोटिव था? क्या कि एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए थे जी, डॉक्टर बीसी रॉय, जो कि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल भी थे और पॉलिटिक्स में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी हैं, और उनके नाम पे बहुत सारे प्राइजेज दिए जाते हैं जी, और उनके जन्मदिन 1 जुलाई को है, उनकी स्मृति में है 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है इंडिया में। सर, डॉक्टर्स डे राय साहब सीएम थे और काफ़ी बड़े, उन्होंने कोई इस तरह के कोई अचीवमेंट उनके रहे होंगे जिसको लेकर ये सब चीज़? उनके बहुत साइंटिफिक काम था, एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता पाऊँगा जी, बहुत साइंटिफिक काम थे और पढ़ने में बहुत ऊपर थे, बहुत मशहूर डॉक्टर थे, ही वॉज वेरी पॉपुलर डॉक्टर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, देन ही एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स एंड बिकेम सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल। अभी सर कोरोना का बहुत तगड़ा दौर चल रहा है, सेकेंड स्टेज में, अभी तीसरी लहर के आने की संभावना जताई जा रही, आप क्या मानते हैं किस तरह से तीसरी लहर की संभावना? सभी साइंटिस्ट बता रहे हैं जी, यूके में तीसरी लहर आई भी है जी, हालांकि वो इंडियन वेरिएंट को दोषी ठहरा रहे हैं B1607 जी, लेकिन आई है वहाँ पे, और इसलिए सबको आशंका है कि शायद इंडिया में भी आ पाएगी। अभी आएगी या नहीं आएगी, अगर उनका पैटर्न देखें हम जी, फर्स्ट वेव ने बहुत एल्डरली लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया था और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जी, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स से 16 जनवरी से टीके लग गए थे जी, और उसके बाद में जो सेकंड वेव आई थी पिछले 2-3 महीने से, इसने मिडिल एजेड को, इट इज़ 30, 35, 40, 45, 50, उनको ज़्यादा अफेक्ट किया, एल्डरली को भी किया, उनको ज़्यादा अफेक्ट किया, बहुत कैजुअलिटीज हुई, बहुत हमारे लोगों ने बहुत अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, संबंधियों को खोया है, गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया है इसको रोकने का, लेकिन ये है कि अपनी कंट्री बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकली बहुत वीक है, हम अपनी कंट्री को बहुत समय तक लॉकडाउन में नहीं रख सकते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा है, भारतीय कल्चर ऐसी है कि वो मिल के रहना चाहते हैं, मिल के खाना चाहते हैं, मिल के परिवार में रहना चाहते हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, तो जब भी हम धार्मिक बहुत रुझान है, धर्म के प्रति बहुत आश्वस्त हैं, पाबंद हैं, बहुत रुचि लेते हैं और पैशन है धर्म का, रिलीजन का, और इस वजह से क्या है कि जब भी कोई धार्मिक मंदिर स्थल खोलते हैं तो बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठी होती है। अब ये थर्ड वेव आने की संभावना इसलिए जताई जा रही है कि कुछ देशों में थर्ड वेव आई है, नंबर टू, जब भी लॉकडाउन खोलेंगे, जो हम बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं बिकॉज आर्थिक स्थिति की वजह से, और अगर सोमैया स्वामीनाथन है, इंडियन साइंटिस्ट है, जो कि WHO में चीफ साइंटिस्ट है, उनका भी स्टेटमेंट आया था कि कोरोना आएगा नहीं और कहीं से कोरोना हम में से निकलेगा, कोरोना विल कम फ्रॉम अस नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बिकॉज कि अगर जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, एवरीबॉडी हैज़ टू यूज प्रॉपरली फिटिंग मास्क एंड 95, दे शुड यूज वॉश हैंड्स frequently and they should have social distancing, which is known as SMS. SMS is M is mask, S is sanitation, or S is social distancing. तीनों चीज़ों को अगर strictly मांगे तो हो सकता है कि wave late आए, कम आए, देरी से आए, संभावना है, लेकिन ये चीज़ें इतनी बड़ी population में awareness की कुछ कमी है, कुछ अभी वैक्सीनेशन, अगर सबका 2-3 चीज़ अगर हो जाए तो थर्ड वेव डाल सकती है, ये मेरा पर्सनल मानना है, सबका मानना नहीं है। एक तो है, हम अगर 70% लोगों को वैक्सीनेट करते हैं विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, और जो SMS जो प्रिंसिपल है, सैनिटेशन, आपको सैनिटाइज करना है और डिस्टेंसिंग रखना है और मास्क रेगुलरली पहनना है,
अगर इसको हम लगातार फॉलो करें तो संभावना है कि या तो वेव कम आएगी और या नहीं आएगी, और आएगी भी तो उसका प्रभाव कम होगा। जिन जिन में देखा जहाँ वैक्सीनेशन डबल डोज लगी हुई है वैक्सीनेशन, उनमें कुछ में हुआ है, बहुत कम हुआ है, कुछ हुआ भी है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, माइल्ड नेचर का हुआ है, तो एडवांटेज तो मिलेगी। सर अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है तो कितनी संभावना है कि वैक्सीनेट हो उनको होने की, कितनी संभावना है? नहीं, वैक्सीनेशन का इफेक्ट 80-90% है जी, इसका मतलब 10-20% लोग फिर भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर वैक्सीनेशन अगर लग गया प्रॉपरली तो उनमें अगर डिजीज आएगी भी तो माइल्ड नेचर की आएगी, वो घर पे ट्रीटमेंट हो सकते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ेगा। सर एज ए डॉक्टर आप लोग को ऐसा मैसेज दें कि लोग वास्तव में इसको फॉलो करें। नहीं देखो, अगर अब ये है कि समझदारी हम लोगों में होनी चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत भुगत चुके हैं जी दोनों फ्रंट पे। अभी तक देखा जाए तो हर 4 मिनट में एक मौत हुई है, हर 4 मिनट में ऑलमोस्ट कितने अगर मैं एग्जैक्ट मैं 2 मिलियन हिंदुस्तान में डेथ हो चुकी है, राजस्थान कितने नहीं बता सकूँगा, इतनी ज़्यादा डेथ हुई है। हमारे संबंधी गए हैं, मित्र गए हैं, परिवारजन गए हैं, कहों के ऐसा है कि बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप दोनों चले गए। अब ये ऐसा दृश्य है सोसाइटी सबको अंदर से हिला सकता है, हिलाना भी चाहिए। दूसरा है कि वैक्सीनेशन अगर हम सही ढंग से लगा लें, हम सबसे अपील है सर्वमान लोगों से कि सब वैक्सीनेशन, हालांकि अपने देश में कमी है 130-135 करोड़ की आबादी को देखते हुए, वैक्सीनेशन हमारे कंट्री में जो वैक्सीनेशन सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और भारत बायोटेक बना रही है, उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि हम 130-135 करोड़ का कवर कर सकें। हमको बाहर के देशों से स्पुतनिक से या अगर अमेरिकन आ गई फाइजर या मॉडर्न आ गई अगर, तो हो सकता है उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन सीरम भारत बायोटेक दे हैव प्रॉमिस्ड कि दे विल रेज देयर कैपेसिटी, अपनी क्षमता बढ़ाएंगे वैक्सीन पैदा करने के लिए। अगर वैक्सीन उपलब्ध हो गया और आप लोगों के माध्यम से यू आर द बेस्ट पीपल नॉट वी, हम तो इंजेक्ट लगा देंगे जी, पर लोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेरित करना आप लोगों के हाथ में साथ है हमारे बनस्पत। अगर किसी माध्यम से किसी तरीके से, चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर ये मैसेज आप सब जगह दे सकते हैं कि अगर जिंदा है जीना है तो वैक्सीन लगा लें, अगर जीना है तो ये 3 चीज़ों को नियमित पालन करें, ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है, 1 साल निकल जाएगा, इकोनॉमी बहुत ख़राब हुई है, लोगों ने कष्ट उठाया, लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी सुदृढ़ है, मैं बताऊँ आपको, रेगुलर न्यूज़पेपर आप निकालते हैं हम पढ़ते हैं। जब वेव आई थी फर्स्ट और सेकेंड वेव, एक भी भारतीय की भूख से मृत्यु नहीं हुई थी, मैंने नहीं देखा किसी न्यूज़पेपर को। सही बात, इसका मतलब क्या है? एक तो है संस्कृति, एक प्रकृति, विकृति, 3 चीज़ होती है, एक बात 3 तरह के लोगों के बिहेवियर है। विकृति है कि मुझे जरूरत है नहीं है मैं तो खाऊंगा, विकृति है। संस्कृति है, प्रकृति है कि मुझे खाना है जिंदा रहने के लिए, और संस्कृति है कि मैं चाहे भूखा रह जाऊँ सामने वाला भूखा नहीं रहे, ये भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति का पालन हुआ है जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर लोग इकोनॉमी में किसी तरह से इसको झेल जाए अगले 6 महीने तक जी, और सब आप लोगों के मोटिवेशन से जी, हम तो करेंगे, आप मोटिवेशन आप करेंगे, आपके मोटिवेशन से अगर सब लोग वैक्सीनेशन करवा ले रहे हैं और ऊपर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाए, अभी बच्चों के लिए वैक्सीन की एलिजिबिलिटी नहीं तय नहीं हुई है okay, हाँ, कि बच्चों में ये हार्मफुल नहीं है, ये अभी साइंटिस्ट स्टडी चल रही है जी। लेकिन अगर बाकी सब लोगों को अगर वैक्सीन लग जाए तो बच्चों को नहीं होगी। मैं आपसे ये जानने वाला था सर, इसके बाद कि बच्चों तीसरी वेव में के बच्चों को इसका प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के होने की संभावना ज़्यादा है थर्ड वेव में। फर्स्ट वेव में 60+ वाले हुई थी, सेकेंड वेव में 18, 30, 35, 40 वालों
थर्ड वेव में बच्चों के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब बच्चों का वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, सीनियर सिटीजन को हो गया, दी फ्रंट लाइन वर्कर्स को हो गया जी, अभी 18 प्लस वालों को चल रहा है जी, सभी लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी दिया है 25% डोज, बाकी फ्री किया चल वैक्सीनेशन, 35,000 करोड़ का प्रावधान भी किया है, प्रयास चल रहे हैं, लेकिन प्रयास दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल अगर ऐसे लोग मैं जानता हूँ मेरी नज़र में है जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, बिल्कुल वो कोरोना बीमारी पे भी विश्वास नहीं करते हैं, वैक्सीन भी नहीं लगवाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी भयंकर भूल होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से पुरजोर अपील करूँगा सारे देशवासियों से, जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाए तुरंत जाके वैक्सीन लगाएं। सरकार की ओर से सबके मोबाइल पे मैसेज आएगा, लोग अपनी वैक्सीन लगाने के तुरंत जरूर जाएं, और ये तीनों माध्यम जो बताए मैंने SMS उनका पूरा पालन करें। ठीक है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ये वर्ष पिछला वर्ष और ये वर्ष जिंदा रहने के लिए है, ठीक है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसको संभाल ली जाए, और भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत है हम एक दूसरे की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे डॉक्टर GL लवाठी कहते हैं, मैं सर्जन हूँ, मैं सीकर से हूँ, मैं और जयपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मोनीलाल अस्पताल में आता हूँ मैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम तो हमारा 86 से चल रहा है, और मैं सर्जन 1969 मुझे सर्जरी करते हुए 51 ईयर्स हो गए हैं। बनी पार्क हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल USFDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।